One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. उसी आयोजन में आ रहा हूँ, फिर यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी है। और दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए और व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, आतुर है, और उसी दशा में हमारा प्रयास चल रहा है कि उत्तर प्रदेश को हम किस प्रकार से उद्योगों के क्षेत्र में आगे करें, यहाँ का व्यापार बढ़े। इस चीज़ में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि प्रदेश के विकास के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता है कृषि को बढ़ावा देना, जो कि सरकार लगातार बढ़ी लगी हुई है। दूसरा, उद्योग लगे और उद्योगों में भी निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। आज नोएडा उसी प्रसंग में है, निर्यात को किस तरीके से उत्तर प्रदेश से निर्यात बढ़ाया जाए, इस बारे में सरकार सोच रही है और इस बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और सरकार को उसकी रिपोर्ट देंगे। पर जो औद्योगिक नीति अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार की आई है, वो नीति अपने आप में स्पष्ट है और ये बताती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उद्योग लगाने के लिए उन नीतियों को उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया है, बना दिया है, जिससे कि आज पूरे देश के उद्योगपति, औद्योगिक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। जिसमें स्टाम्प ड्यूटी में अब काफ़ी छूट दी गई है, सब्सिडी दी गई है कुछ चीज़ों पर, जैसे खाद प्रसरण है, फूड प्रोसेसिंग में सब्सिडी है। एक चीज़ भी जरूर उत्तर प्रदेश के अंदर दिक्कत है और वो है बिजली की। पिछले 5 वर्षों में कोई बिजली का नया संयंत्र न लगने के कारण उत्तर प्रदेश में इस समय बिजली की बहुत ज़्यादा किल्लत है। प्रदेश सरकार ने चुनौती के रूप में लिया है और आने वाले 2 सालों में हम बिजली के मामले में कुछ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ जाएंगे और अगले और उसके 2 साल बाद यानी 4 साल बाद इस प्रदेश के अंदर इतनी बिजली मिल जाएगी कि हम इसको निर्यात कर दूसरे प्रदेशों को देने की स्थिति में आएंगे। अगर पिछली सरकार ने बिजली लगा कर कोई नया जनरेशन लगाया होता तो बिजली अब तक कम नहीं होगी और नई मशीन यूनिट लगाना तो दूर। बिजली क्योंकि रखरखाव भी पिछली सरकार ने ढंग से ना करी, जिसके कारण कि बिजली का उत्पादन प्रतिदिन मिलता है। इस स्थिति को जरूर हमें आगे के लिए संभालना है, बाकी उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्रांति के लिए बिल्कुल तैयार हो। नोएडा कोसी को हमारे विशेष लक्ष्य है, जहाँ से हमें निर्यात बढ़ाने में सुविधा मिलेगी। इन 2 क्षेत्रों पर विशेष कार्य हो रहा है और व्यापार के मामले में हम ये महसूस करते आ रहे हैं कि नियम उपनियमों कायदे कानूनों को इस प्रकार व्यवहारिक बनाया जाए कि व्यापारी का उत्पीड़न न हो। अगर हम याद करें, पिछली समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बैठ नहीं लगने दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, जब बसपा की सरकार आई थी उन्होंने बैठ लगा दिया। बैठ लगाने के बाद व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ा। समाजवादी पार्टी ये महसूस करती है कि जितना हम अपने औद्योगिक भाइयों को और व्यापारियों को व्यवहारिक कानूनों के दायरे में लें, कानून तो रहें निर्दोष नहीं बनना चाहिए परंतु कानून व्यवहारिक हो, जिससे कि निरीक्षणालय, इंस्पेक्ट्रेट या अधिकारी उनका शोषण नहीं कर पाए, उनका अनुपालन ठीक से हो जाए तो प्रदेश जल्दी तरक्की कर सकते। सैद्धांतिक रूप से खुला व्यापार में विदेशी निवेश के पक्ष में है, उसका पार्लियामेंट के दोनों सदनों में विरोध भी किया। जो बात आप कहना चाह रहे हैं उस बात को मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ कि हिंदुस्तान में 2 सरकारें, राज्य सरकार ऐसी हैं जिन्होंने व्यवहारिक रूप से इसको अंजाम दिया है, विरोध किया है तो रोक भी लिया है। उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है जिसने घोषणा की थी कि हम विदेशी निवेश नहीं आने देंगे और वो स्थिति आज भी लागू है। सरकार संकल्पबद्ध है कि उत्तर प्रदेश में खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश नहीं लाएगा।
और जहाँ तक उन लोगों का सवाल है जो पार्लियामेंट में विरोध कर रहे थे, मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि उनकी गुजरात में सरकार है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, किसी भी मुख्यमंत्री ने यह ऐलान नहीं किया है कि हम अपने राज्य में विदेशी निवेश को नहीं आने देंगे। जो केंद्र सरकार विदेशी निवेश ला रही है उसमें स्पष्ट प्राविधान है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने यहाँ रोक सकती है। लेकिन जब भी समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया और उत्तर प्रदेश जहाँ समाजवादी पार्टी का शासन है FDI लागू नहीं होगी, ये स्पष्ट घोषणा है, मेरी घोषणा नहीं मुख्यमंत्री की घोषणा है जो मान्य रखती है। और केंद्र में लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनेगी तो समूचे हिंदुस्तान से FDI को वापस करा दिया जाएगा, ये भी समाजवादी पार्टी ने कहा है। तो